हाय, गुड मॉर्निंग। फ्रेश हो जाता फिर बताता। सेकेंड गियर। 20 मिनट्स लेटर। भाई तैयार हो गया था और मेरी बेगम मेरे लिए ये कॉफ़ी पीने के लिए कप लेके आई है। अबे मैंने पानी भी नहीं पिया, इमेजिन। और ये मेरी रोज़ की स्टोरी है भाई। रोज़ ऑलमोस्ट लेट होता है, लेट नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट लेट होता है। तो वो जो रोज़ का हार्ट अटैक है ना, वो ज़्यादा हानिकारक है। खैर, अभी हम नीचे जाएंगे, वहाँ से हम कॉफ़ी लेंगे। इसके लिए नहीं, वैसे ही मतलब 10 वाली कॉफ़ी लेके नीचे जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, लॉग इन करेंगे। ये 7 की शॉप है। यहाँ से हम लेंगे कॉफ़ी। क्या हाल है भाई? तो अभी 1:41 हो रहे हैं और भाई बिल्कुल ऑन टाइम चल रहा है। अब ये कॉफ़ी मंगानी है और फिर ऑफिस चलना है। ऑफिस चल के फिर तुम्हें आगे की स्टोरी बताता हूँ कि ये मैंने सुबह सुबह व्लॉग शुरू किया क्यों है। ओके, तो कॉफ़ी खाली हो चुकी है, इसको फेंकते हैं इधर और अब वापस चलते हैं अपने काम की तरफ। कौन सी वाली आएगी? ये आएगी कुल जा सिम। ओह शिट, तो यहाँ की लिफ्ट्स बड़ी फारग है। ये देखो बटन भी उतरा हुआ है। चलो भाई, ग्राउंड फ्लोर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। तो एक और चीज़, ऑफिस के अंदर ना मैं शूट नहीं करता था, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ। तो ऑफिस के अंदर तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, उसके बाहर बाहर करूँगा। और ज़रूरी बात तो रहती है, दो बातें हैं, बल्कि एक बात नहीं है, दो बातें। तो वो दोनों बातें मैं अभी बताऊँगा, ठीक है? और सामने मुझे मेरा दोस्त नज़र आ गया, ये खड़ा शेडी, और ये जा रहा है। तो जल्दी से ऑफिस चलते हैं, लॉगिन मारते हैं, अगली स्टोरी फिर लॉगिन करने के बाद बताऊंगा। हाय शेडी, व्हाट्स अप? जस्ट मेकिंग माय व्लॉग मैन, डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ, यू नो। सी यू। चलो, ओए तेज तत्ती धूप। Two hours later. तो भाई आपका नीचे आ चुका है अपनी कॉफ़ी ब्रेक लेके, फुल टाइम किस्म की सीरियस डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? और डिस्कशन ये थी कि दो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि यार दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है। पहली चीज़ ये है कि अब से हम डेली व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वीकेंड्स पे तो व्लॉग आते ही हैं, ठीक है? तो हमने ये सोचा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कहीं घूमने शूमने जा रहे हैं, कहीं अच्छा कहीं जी कोई बड़ी लैविश जगह पर जा रहे हैं, या कहीं ट्रैवलिंग चल रही है तो ट्रैवल ब्लॉग ही बनाया जाए। हमारा तो चैनल है ही नहीं ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग का, हम तो ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है? तो हाँ, जब ट्रैवल कर रहे हैं उसका तो ब्लॉग बनाते ही बनाते हैं, लेकिन हम डेली लाइफ का भी हमें बनाना चाहिए। ये चीज़ मेरी बेगम ने मेरे जहन में इंस्टॉल की, विच वॉज़ गुड पॉइंट। तो अब से ये हम करने लगे हैं, ठीक है? पसंद आई ये आइडिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और सेकेंडली ये चीज़ है कि मैंने एक पोल लगाया था और उस पोल पर मैंने ये लिखा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी व्लॉग हो या चैलेंज हो कोई। तो ज़्यादा लोगों ने तो व्लॉग पे कमेंट किया है, बट चैलेंज पे भी कमेंट्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब कम कमेंट्स आए तो उनको छोड़ देंगे। तो चैलेंज वाले पे हम ये कर लेते हैं कि हम चैलेंज जो है वीकेंड पे डाल देंगे, और जो व्लॉग है आपसे डेली व्लॉगिंग तो स्टार्ट कर ही दी है, तो बताना कि ये आइडिया कैसा लगा है। कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि मुझे इनपुट चाहिए। कमेंट बॉक्स तुम लोगों का होता है, कमेंट करो, खुल के करो, जो मर्ज़ी बोलना है बोलो यार, बोला करो, कमेंट किया करो, सही है? उससे भाई को मोटिवेशन मिलती है। तो खैर, अब चलते हैं जल्दी से अपने एक छोटे से खोखे पे जाके वहाँ से भाई लेगा कुछ पीने के लिए, और बाकी बातें फिर वहाँ बैठ के करते हैं। चलो आओ चलें। वॉकिंग 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 वॉकिंग, ये चेक करो गाइस, मोटरसाइकिलों का पियो, टू ह्यूज। ये इस रेस्टोरेंट पे सारे बाइकर्स आए हुए हैं आज, लग रहा है।
बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं भाई, सन किस्ट हो रहा था थोड़ा थोड़ा अभी। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी इस छोटी दुकान पर, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाली हमारी दुकान है, यहाँ हम अक्सर आते हैं, ये कुर्सियाँ पे इधर मैं आफ्ताब बैठ जाते हैं, गपशप लगाते हैं, सही है। तो अब भाई अंदर जाएगा, कुछ पीने के लिए लेता है और बाहर आके कंटिन्यू करते हैं अपनी गपशप। चेक करो, नैश किस्म की गर्मी में नैश किस्म की ड्रिंक की काम आती है, स्टिंग रिमेंबर। हाँ, तो ये मलेशिया में भी मिलती है और भाई अक्सर ये लिया करता था पाकिस्तान में। तो हमने कहा कि यार इतनी तेज़ धूप है तो कॉफ़ी की जगह स्टिंग लेते हैं, स्टिंग पीते हैं बैठ के और उसके बाद फिर जाते हैं ऑफिस वापस, क्योंकि अभी मैंने लंच ब्रेक लेनी है और लंच ब्रेक में मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पर खाने जाऊँ। तो अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं बिरयानी खाऊँ, मैं शॉर्मा खाऊँ, मंदी खाऊँ, क्या खाऊँ, तो वो वहाँ जाके भी दिखाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ कैसी हुई थी बाय द वे, तो यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी है, एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, अरेबिक रेस्टोरेंट भी है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग। लेकिन मैं अभी जाके तुम लोग को दिखाता हूँ कि भाई ने क्या डिसाइड किया, भूख पे डिपेंड करता है कि भूख कितनी ख़तरनाक लगी हुई है। तो लेट्स सी अभी ये स्टिंग ख़त्म करते हैं और चलते हैं वापस ऑफिस में। यार आई विश मैं ऑफिस में तुम्हें दिखा सकता लेकिन दिखा नहीं सकता, आई एम सॉरी यार। तो बट ऑफिस में बहुत हम शुगर लगाते हैं, एनी वेज मिलते हैं बाद में। स्टिंग मुका दी है, वापस जा रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा रह गया तो बस सब तेज़ तेज़ वापस चलते हैं। 30 मिनट्स की होती है तो मैं 25 मिनट का टाइमर लगाता हूँ। ये स्ट्रीट देखो यार, कितना प्यारा स्ट्रीट आर्ट हुआ है ना, इधर बच्चे बच्चे आते हैं इधर शाम को खेलने। 1 minute 37 seconds later. तो यार भाई को जो है ना भूख लग गई थी फुल टाइम टिस्टम टैट किस्म की, तो भाई ने बगैर आसरा किए और बगैर हाथ हौला रखे ठप करके ब्रेक लगाई है और बिल्कुल हमारे सामने मंसूर शॉर्मा है। एक बार मैंने इनका शॉर्मा आप लोगों को दिखाया भी हुआ है, मैं यहाँ आया भी था एक व्लॉग में, तो आज भी हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल पास है, ये रहा, क्योंकि ये बिल्कुल पास है। और गर्मी थी, अभी तो बादल हो गए लेकिन स्टिल गर्मी है थोड़ी सी, तो इसलिए मेरा चलने का ज़्यादा मूड नहीं है, दैट्स व्हाई। तो ये हम आ चुके हैं, ये रहा शॉर्मा बन रहा है। तो आज मैं शॉर्मा नहीं खाने वाला, आज कुछ डिफरेंट दिखाता हूँ आप लोगों को। पाकिस्तान में काफ़ी चिकन मंदीज आ चुकी हैं, चिकन मंदी काफ़ी लोग बेच रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, मैंने तो अभी तक नहीं देखी भाई। मैं तुम्हें अब रियल वाली चिकन मंदी दिखाता हूँ, ठीक है, वाकई वाली चिकन मंदी, और साथ में या फलाफल लूँ, फलाफल में चिकन मंदी लूँ, समझ नहीं आ रही, चलो चिकन मंदी ले लेते, चिकन मंदी लेते हैं, साथ में लेमन मिंट लेते हैं, ये इनकी काफ़ी एक अच्छी ड्रिंक है, वो भी दिखाता हूँ। तो चलो पहले ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो ये हम ऑर्डर करने जा रहे हैं, 1 chicken mandi 1 lemon mint नो फ्राइज, या ओके। तो बाय द वे ये इनका ऑर्डर मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। तो आज हम लेने वाले हैं चिकन मंदी, ओके। अब भाई पे कर दे QR से जल्दी से। तो भाई हमारी चिकन मंदी आ चुकी है, मलाइजा फरमाइए प्लीज़, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि रियल चिकन मंदी क्या होती है, ठीक है। और साथ में इनकी एक सॉस भी है, ये वाली भी और एक ये वाली भी, नज़र नहीं आ रही, अब दिखाने लगा। ये है भाई चिकन लेग, ठीक है, और ये इनका कोई आलू और शोरबा वगैरह होता है, पता नहीं क्या होता है, बहरहाल ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है। ये प्याज व्याज और ये थोड़ा बहुत वो चले हुए प्याज टाइप है, ठीक है। और ये इनकी एक सॉस होती है बड़ी स्पाइसी, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, उसने मुझे आफ्ता बता भी रहा था बट आई डोंट रिमेंबर। और ये चिकन ऐसी है कि ओके डेमो, अच्छा कैमरे में देख के लगा हूँ मैं, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, टूटी नहीं लाना, ये ऐसी है, मतलब ये ऐसे हड्डियों से अलग हो जाती है, पुदीना इतनी स्टीम की होती है, ये देखो ये इतनी स्टीम की हुई है कि ऐसे हो जाती है, तो इट्स वेरी डिलीशियस। अब इसको खाते हैं, बल्कि इसकी मत मारते हैं। परां हो जाओ सारे, परां हो जाओ, स्किन भी बहुत मजे की है इनकी और चावल इतने जायकेदार हैं कि बस
कहते हैं, मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ टॉपिक से, क्योंकि तुम्हें कुछ बहुत मज़े पीछे मेरी आवाज़ आ रही है इंजन के घुर्राने की। हर लौंडे का ना एक ड्रीम होता है कार्स में, आपके भाई का भी एक ड्रीम है, और वो ड्रीम का जो इंजन है ना वो इस टाइम पीछे से गुर 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 कर रहा है। उस ड्रीम में से एक आंटी निकल रही है, वो निकल जाए तो फिर तुम लोगों को मैं वो ड्रीम दिखाता हूँ। ठीक है, ये गई वो, और ये रही मेरी ड्रीम, देख रहे हो, निसान GTR द गॉडज़िला। कमेंट्स में आमिर लिख दो, बहुत जल्द देंगे। मायरा आप ये ब्लॉग देख रही हैं, ये चाहिए भाई को, मतलब आपके बंदे को। ये तो मैंने मंदी खा ली थी, बट ये है हमारी लेमन मिंट, सो नाइस, बहुत ठंडी ड्रिंक है, बहुत मज़े की है, सही है, तो 100% रिकमेंडेड। मंदी के साथ खाओ या शॉर्मे के साथ खाओ, इट वर्क्स रियली वेल। तो आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं लंच में कहाँ आता हूँ यूजुअली, और यूजुअली मैं क्या खाता हूँ। तो कभी कभार शॉर्मा हो जाता है, कभी कभार चिकन मंदी हो जाती है। तो अब कल के ब्लॉग में कहीं और जाएंगे, ऑफ कोर्स कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते हैं इंडियन कुजीन, इंडियन कुजीन में जाके देखते हैं कि हमने वहाँ पे क्या खाना है। प्रॉब्ली मैं जाके वहाँ के जो मैनेजर हैं, दोस्त हैं मेरे, तो उनको जाके बोलूँगा भैया जो भी आपकी अथरी डिश है ना, सबसे सबसे कमाल वाली वो खिला दो। तो देखते हैं, वो कल के ब्लॉग में देखना ज़रूर। और हाँ यार, मिड ब्लॉग में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, 3000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हमारे वेरी सून, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। अब डेली ब्लॉगिंग होने वाली हफ्ते के लिए, तो रोज़ नोटिफिकेशन मिले ताकि आप लोग भी देख सको। तो यस, मेक श्योर यू डू इट। इससे पहले कि मैं खाना शाना खा के ऊपर जाता, वो देखो वो कमल शर्मा आ रहे हैं, ये देखो कमल, ये देखो गर्मी में शक्ल बनाई हुई है उसने गंदी, ये देखो, हाय कमल, क्या कर रहा है? ये भी ब्रेक से वापस आ रहा है, हमने एक साथ ब्रेक ली थी आज, तो बस अब ऑफिस जाएंगे। एक कॉफी शॉफी ले आया मैंने, जाके ऊपर से लेनी है कॉफी, फिर जाएंगे ऊपर। और सुना कमल, क्या खा के आए? डाइटिंग कर रहा है आज का लड़का ना, फुल टाइम जिम्मेदारी के साथ, पेट अंदर करना है इसने। चलो यार ऊपर चलते हैं, फिर बाकी की कहानी अब तो मैं ऑफ टाइम पे बताऊंगा कि घर जाके माहौल क्या होता है जब आर्या मेरा वेट कर रही होती है, तो वो अब दिखाता हूँ मैं। अब जाके थोड़ा सा काम शाम कर लें यार, काम शाम काफ़ी पड़ा हुआ है। और फाइनली छुट्टी हो गई, और मज़े की बात यह है कि आज का दिन इतना प्रोडक्टिव और इतना बिजी रहा कि आई कैंट इवन टेल यू। और अभी फुल टाइम बस हुई पड़ी है मेरी, अब मैं घर जा रहा हूँ आर्या के पास, मायरा के पास फाइनली। और सामने वो देखो कमल फिर से वॉक कर रहा है, मतलब बंदे ने अपनी नौकरी शुरू की थी, नौकरी ख़त्म करके बंदा जो है अब फिर से वॉक कर रहा है, और भाई अब निकल रहा है क्योंकि भाई 2 बजे आता है और रात 11 बजे वापस जाता है। तो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, जल्दी से रोड क्रॉस करें। बस मैं इससे मिल के तो फिर मैं घर को जा रहा हूँ, फिर ऊपर जाके दिखाता हूँ, फिर ब्लॉग एंड करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट मारे भाई। अब भाई तुम लोगों ने सुबह देखा था कितना बड़ा उसका वो रोल था, अब देखो कितना सा रह गया। ओह माय गॉड, ये वाला चले गए यहाँ से। मैं आ गया और अब आर्या का रिएक्शन देखते हैं। आर्या हाय, हाय बेटी, अब तो बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या चावल, चावल बन रहे हैं आपके? यस, मिक्सिंग वाओ, मिक्सिंग कर रहे थे आप मामा के साथ? आना आना बाबा पाच, ओए मामा दोस्त,
तो मैं घर आया था और मुझे लगा था कि आर्या का बहुत खतरनाक वाला रिएक्शन होगा, लेकिन आला आजकल मामा के साथ बॉन्डिंग चल रही है। आला की मामा गैस करो क्यों रो रही है, वे स्टाइल हो रहे हैं। गैस करो क्यों रो के हटी है, क्यों कपड़े नहीं पहनना था, छेमी छेमी रहना था। हां छेमी छेमी हाथ हाथ क्या क्या हाथ क्या हाथ आजो आजो बाबा पास आना। आजो बाबू कुछ खिला रही है, कुछ खिला। अच्छा आपके कान से टॉप उतार के मेरे कान में लगाए। और ये देखो ये भाई साहब ये लेटे हैं। तू क्या कर रहा है इस टाइम? वो देख कौन है? कोई नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से क्या कर रहा है? हाँ तूने तो छुट्टी की थी सच। ये सुबह से गेम ही खेल रहा है और क्या कर रहा है? वीडियो क्यों बना रहा है? फ्री बनाऊंगा मैं, दुनिया को एक्सपोज करूंगा। दुनिया तो क्या है, 2000 बंदे को एक्सपोज करूंगा। सुबह से ही खेल ही रहा है मतलब तुझे। सॉरी वो देखो आजकल भाई आर्या की मामा के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती हुई है और ये चलता रहता है हमारे टीवी पे बस बस। और ये वाला गद्दा यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये क्या चक्कर है, तो ये हमने गद्दा लिया था जस्ट इनकेस हमारे घर में रिलेटिव्स वगैरह आते हैं तो ये गद्दा मिस करे, तो अब हमने इसको यहीं रख दिया। अरे सबको हाई कर दो, ठीक है। अच्छा तो बिफोर मैं ये ब्लॉग एंड करूँ, मैं ना इसके एंड में ना एक वीडियो डाल दूंगा। आफ्ताब लोग हमारे घर आए थे तो साथ जावियार भी आया था उनका बेटा, तो आर्या ने जो है ना फुल टाइम बड़ी दीदियों वाला जो है ना अपना किरदार अदा किया है। पहली इंटरेक्शन थी आला की उसके जितने बच्चे के साथ वॉकिंग वाली, मतलब थोड़े से ये दोनों समझदार हो गए हैं क्योंकि वो 3 महीने छोटा है आर्या से। तो मैं वो वीडियो अटैच कर रहा हूँ, वो देखना। और जैसे ही ये ब्लॉग ख़त्म हो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। इंसान आला आला भैया को जब भी दे दो। आला भैया को जब भी दे दो। वो देखो दीदी रैबी वो देखो देख ले लो दीदी से ले लो। आला जावी भैया को दे दो, जावी आला दे दो भैया को, चॉकलेट दे दो आपके पास है ना, दे दो हाँ दे दो, थैंक ले लो थैंक यू। ये लो वाला ये आपके लिए, अब वापस कर दो उसको। थैंक यू। आज आज ओय ओ ओ ओ वो देखो दीदी बनी हुई है। ओय 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 शक्ल एक्साइटेड ही बहुत है। ओ पॉल जावी